So don't leave me alone. Hey guys, this is Riya Chaudhary and welcome back to my new vlog. जैसे कि आपको पता है कि मैं रिंकुल के पास आई हूँ, तो अभी नाश्ते के लिए नीचे आए हुए हैं। तो नाश्ते में ब्रेड पकौड़ा है, जो कि मैं इतना तो नहीं खाती पर खा लेंगे। हाय गाइस, हाय गाइस, ब्रेड खा लो। है क्या चाय पकौड़ा तो थोड़ी सी कम है। चल कोई नहीं, इसमें से ही ले लेंगे ना दोनों। आ जा, ये मारेगा तो नहीं ना। ये क्या है? ग्रेप्स है। ये क्या है? ये है आलू बुखारा। आलू बुखारा और मैं इनको ग्रेप्स बता रही हूँ। कैंसिल हो गया, कुछ भी अच्छा नहीं लगा। सारे फ्रूट्स ऐसे लग रहे थे बेकार से। एक बार फिर से हम खाना खाने के लिए आ गए हैं, मतलब दोपहर का टाइम हो रहा है। ऐसा नहीं है कि तभी खाने खाने के लिए आ गए। दादा नहीं, थोड़ा देना है मेरे को, इसी में दे दे, अभी ज़्यादा है। वाकई बहुत ग्रीन लग रहा है मेरे को भी। ये तो कुछ और टेस्ट में भी अलग ही लग रहा है मेरे को। पुदीना और धनिया, मतलब इसमें रायता नहीं है, ये चटनी ज्यादा लग रही है। ऐसे ऐसे पीना मत डायरेक्ट इसको। तीखा है, तीखा है। हाँ तीखा है, तीखा है और मतलब लस्सी। टेस्ट के हिसाब से देखे तो यहाँ का खाना भी अच्छा लग रहा है मुझे। तो खाना हमने खा लिया है और अब हम एक इंटरेस्टिंग सी चीज देखने के लिए जा रहे हैं। छोटा सा पैट है किसी का, खरगोश। उसका नाम बोल दिया ना, क्या नाम था? नाम तो मेरे को जुनमाला सूजी टाइप था, जैज सूजी याद आ रही थी ना, तो उससे मिलके थोड़ा अच्छा हो जाएगा। तो चार पे यार, तो पाँच पे जा रही है क्या? चलो इनको सामान को यहीं रख दो। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ यार। दो दो रूम में रहती है वो। ये मुझे दिखा ना, ये तो बड़ा है, बड़े वाला है। वही तो बहुत बड़ा है यार। मुझे लगा व्हाइट वाला छोटा सा होगा। नहीं इससे तो मुझे डर लग रहा है। ज़ूम कर। वो मना कर रहा ना कि कर यार, ये तो मुझे बिल्ली की जैसे लग रहा है ना। बड़ा खरगोश होता है क्या? इसका कलर वैसा है ना, मेरे को डर लग रहा है। डर क्या? उसको आने दे, इसलिए हम से डर रहा है। रिंकुल ये काट लेते हैं ना, थोड़ा सा डर वर के चक्कर में काटते हैं। मतलब वहाँ पे काटते थे मामा जी के, यहाँ व्हाइट वाला था ना तो वो काटता था, वो खुद नहीं हाथ लगाते थे उसे। नहीं यहाँ तो सब गोद में लेते हैं ना। तो फिर रिंकुल तू मेरे से ज्यादा हिम्मत वाली है, एक बार पकड़ ले। एक बार आदित्य को उसको। हाँ मैं भी लूंगी, एक बार पता लग जाए ये ना काटता हो। बात पता क्या है? बात ये है कि इसकी ओनर यहाँ नहीं है, ठीक है? अपने घर गई भी है कि इसको हार्ट अटैक ना जाए कभी, ये बेचारा को जगाए। नहीं हार्ट अटैक तो नहीं आएगा, बट इसके साइड से डर लग रहा है मुझे। ओ मम्मा, ये तो अंदर चला गया, ये अंदर चला गया। तो अभी हम लोग पीजी से निकल के थोड़ा सा मार्केट में आए शॉपिंग वॉपिंग करने के लिए। जिन चीज़ों की मुझे ज़रूरत है वो चीज़ें ले लूँगी और देख लेते हैं कुछ, अगर और कुछ पसंद आता है तो। इयर रिंग देखते हैं। ये सारा हैवी वाला माल है, वो लोग तो इयर रिंग्स पे लगे हुए हैं। अच्छा ये कुछ ज़्यादा हैवी नहीं हो रहे हैं क्या? यार मुझे सेल्फ बहुत पसंद है। हाँ ये तो मुझे पसंद है, लेकिन ड्रेसेस में आया कुछ पसंद? हाँ ये अच्छा लग रहा है ना। हाँ सही लग रहा है, चले। ये भी अच्छे हैं ना। हाँ और भी देखना ना मैं भी। हाँ हाँ तो मार्केट तो अच्छे से अभी तक नहीं लिखी है, तब तक हम गोलगप्पे खा लेते हैं। सूजी वाले लूंगी या वाले? मैं सूजी वाले लूंगी, आटे वाले तीखे वाला। हाँ ब्लैक टी शर्ट है तो नहीं, ब्लैक नहीं है बट मुझे वो कलर अच्छा लग रहा है। हाँ ये वाला अच्छा लगा ना। हाँ अच्छा, मुझे लगा पता नहीं कौन अंकल जी से बैठे हुए हैं इधर। ये आपको लेना है? नहीं यार। Thank you.
बहुत बढ़िया। हमें शाम हो गई, ऐसे घूमते घूमते हम बहुत ज्यादा थक गए, पैरों में दर्द हो गया। अब हम घर की तरफ चलते हैं। पैरों में दर्द इतना ज्यादा हो गया कि खड़ा भी नहीं हो जा रहा है। मैंने तो स्लीपर्स निकाल दी थी, अभी अभी स्लीपर्स निकाल के बैठी, बहुत सुकून मिला मुझे। तो अभी हम नीचे खाना खाने के लिए जा रहे हैं, खाना खाने का टाइम हो गया। इसको बंद कर देती हूँ गेट को मैं भी। हम जब से आए तब से कुछ ना कुछ खा ही रहे हैं। अब भी हम आइसक्रीम खाने के लिए बाहर आ गए हैं, लेकिन हमें फिर भी लगता है कि हमें कुछ खाना है, इसी को लग रहा है। चॉकलेट वाली खाएगी, मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं अलग लगाने के बाद भी दिखाई नहीं देता लोगों को। पहले वाला पीजी ना हमारा ये हुआ करता था, देखो ना ऊपर। अच्छा अच्छा, तो क्या होता था, रिद्धि बिना चश्मे के बाहर आती थी। थोड़ा तेज बोल। रिद्धि बिना चश्मे के बाहर आती थी, हाँ, उसको कुछ दिखाई नहीं देता था। अच्छा, रोज चश्मा लगा दी थी तो उसे कोई नहीं देखता था। अच्छा, उतारती थी उसे कुछ दिखाई नहीं देता था। तो आज जिस हिसाब से हम चले हैं ना, उस हिसाब से मेरे पैर में बहुत ज़्यादा दर्द हो गया है। तो आज रिंकुल से इतनी मेहनत करा रही हूँ, मेरी इतनी मेहनत इतने मुझसे कराई, तो अभी मेरे पैर में मालिश कर रही है। एक काम कर दो, नोएडा ही आ जा, तेरे बहुत सारे बेनिफिट मिल जाएंगे मुझे। अच्छा, तो यहाँ पे कुछ स्पेशल खातेदारी क्यों कर रही है फिर? और इसने अपने रूम का देखो क्या बना रखा है। बॉयज के भी रूम्स अच्छे होते होंगे, वो देखो पीछे क्या क्या है। मुझसे ट्राइपॉड लेके गई थी, वो छाता वगैरह, यहाँ पे कपड़े वपड़े, पूरा कबर्ड बना रखा है अपने रूम का इन लड़कियों ने, समझदार ग्रहणियों ने। पीजी में रहने के फायदे कमेंट करके बताना, पीजी में रहने के फायदे ये होते हैं, पीजी में रहने के यही फायदे होते हैं।